ये है भाभी की रेडीमेड साड़ी। तो चलो हम लोग चलते हैं। दूध दूध की बोतल तो लेनी पड़ेगी। धीरो चलो पूरी पलटन को साथ लेके आओगी क्या? ऐसे ही आ जाओ तो चलो भाई हम तो चले। दूध की बोतल बोतल लेनी पड़ेगी। दूध की बोतल लेके फिर भी हाँ नहीं खुद बंद कर दे। हम लोग आगे ये हम दोनों बैठेंगे पीछे हम तीनों बैठेंगे। भाई मुझे लग रहा है आएंगे कैसे गाड़ी में। ये है मेरे प्यारे दो भाई, इसका नाम सोनू है, इसका नाम गौरव है। मैं नहीं आ रही। आरू आरू भी नहीं आ रही और अंशु दूसरी गाड़ी में जा रही है। दे तो यहाँ आगे आ जाओ। ऐसे हंस के कह रहे चले फिर भी लाइफ में टूट रही थी। मामा जी कह रहे हैं चेन दे दो, जेरी को भी बिठाल के ले जाएंगे पीछे डिग्गी में। देखो लेके आ रहे हैं उसको जेरी को। हाँ लेके आ रहे हैं। अंशु भाई बोल रही भाई ये कैसे चढ़ा रहे हैं इसको। अरे पीछे पीछे जोड़ा विक्रम पीछे से भैंस की तरह। जेरी ऐसी छोटी गाड़ी में नहीं जाता, वो बड़ी में आएगा। विक्रम को भीतर चाहिए। पापा जी बोल रहे हैं जेरी को थोड़ी जाने देंगे, ये कह रहे हैं ठीक है बाहर ही खड़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। जो मामा जी मैं बोलती हूँ अंशु के पापा हैं और बहुत ही ज्यादा फन, उनका नेचर बहुत मतलब इतने हसमुख हैं बहुत ज्यादा। आरू रो रही थी पहले, हम आरू को लेके नहीं जा रहे थे, बाहर ही घूमते रहे है ना आरू। ये बताती कुछ है नहीं और मजाक उड़ा रही है। देख लियो मैं बता तो ना रही और है जो कह रहा सो रहा ट्री मिला सो। मामा जी बोल रहे थे कि मैं आपको स्कूटी से ले जाऊंगा यहीं से। आरू क्या हुआ ये क्या हुआ ये ऐसे घूम रहा है ऐसे? विक्रम विक्रम पतना जा रहे हैं सब लोग छतरी घूमने के लिए और उसके बाद भी कहीं जाएंगे। छतरी जाना है बस। भदैया कुंड से वहाँ ले चलो ना, वो जो फ्रूट्स लेके आए आप उसमें क्यों क्यों वहाँ क्यों नहीं वो अच्छी जगह है, उसमें कितने अच्छे फ्रूट हैं और बहुत सारी चीजें हैं। वो शांति वाली जगह है वहाँ पर अशांति कर देंगे आपको। वो आश्रम है आतंकवादी घर आ रहा पीछे। आप तो पहले ही वहाँ गए थे, आप तो सब लोग गए थे ना। हाँ तो वहाँ शांति वांति रखनी पड़ती, चिल्ला चौड़ का काम नहीं है। मामा जी भी गए थे? मामा जी शांत रह लिए। मामा जी पांच छह बार करे हैं। मामा जी जेरी को ले आए। चेरू की तो करेंगे द रॉड की वीडियो शूट और मैं अपना व्लॉगिंग करूंगी क्योंकि मामा जी जेरी को ले आए थे और इतने लोग आए हैं अपन मामी जी ये सब लोग भैया सब लोग आए हैं। आरू भैया के पास है। मौसी जी को इतनी ठंड लग रही है कि इतनी शॉल ओढ़ के आ गई है, स्वेटर पहना हुआ है, शॉल इतनी सारी चीजें। वही तो वहाँ ठंड है ना, यहाँ थोड़ी है इतनी। हमारे बस की ना
ये भी तो नहीं पहनोगे। मैंने काफी दिनों बाद आज साड़ी वेयर करी है और मिनिमम कितना टाइम हो गया। हाँ, मैंने एक साड़ी कलेक्शन दिया था तब पहनी थी, मैरा रंग सुने उसके बाद आज पहनी है। और मैं कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आ जाओ आ जाओ वो रहे और इसके अलावा एक और वीडियो मिल जाएगी आपको द रॉड भैया। सच में मैं फैशन में पहना गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैंने सोचा इसे पहनूंगी तो पूरी साड़ी का कोई लुक नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें ठंड लग रही है बुरे तरीके से। ये मेरी छोटी सासू माँ है, मेरी सासू माँ की बहन। और पता है फेस से तो तुम लोगों को पता चल ही रहा हो कि मम्मी की बहन है। और एक और चीज हरकतों से और बातों से भी, क्योंकि मम्मी भी बहुत मजाक करती है और मौसी जी भी बहुत मजाक करती है। और मतलब मौसी जी लगती नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं। रितु दी है और दो बेटियां हैं, एक बेटे हैं। बेटे मेरी एक्चुअली वीडियो शूट कर रहे हैं भैया, फोन लेके नहीं आए थे तो मैं लेके आई थी, फोन में बैटरी भी नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हो, आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो आ जाओ। मौसी जी मुझे ना चने के झाड़ पे चढ़ा रही हैं। घूम तो रही है मौसी जी, आ जाओ आ जाओ। मौसी आवाज तुम आवाज तो मैं कैसे बाहर काहे को ये कैवियर दे काहे को ये कैवियर आ जाओ। बिगेस्ट कदम ट्री इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा कदम सबसे शुभ माना जाता, घर के आगे कहीं भी होता है ये। ये आपके लिए दोनों के लिए ये कदम का पेड़ दे रही हूँ गिफ्ट की तौर पे। जाओ मंदिर है, हनुमान जी बैठे दर्शन करने बाबा का। आप मिठाई आपके सपना जी के लड़का होगा, हमने मन्नत मांगी है 2 किलो मिठाई गरीबों को बांट के जाएंगे। और जेरी को देखने आ गए, यहाँ को छोड़ के वो जेरी को देख रहे। सुनो उधर तो हमें ना स्लीपर पहन के चलते हैं, सच में बहुत ज्यादा ठंडे पैर लग रहा है। उधर से तो स्लीपर पहन के जा सकते हैं, इसमें और चलते हैं। जो मौसी जी बहुत मजाक कर रही हैं, ये इनके छोटे से बेटे हैं, क्यूट से है ना। हाँ, आपने व्लॉग में देखे होंगे अंशु के साथ में, ये वही भैया है। हाँ, पहले आए थे। हाँ, और रितु दी भी मतलब बातों से तो पहचान ही जाते हैं, रितु दी इन्हीं की बहन है, वही है मम्मी। मतलब मस्ती वाली बातें करते हैं ये लोग बहुत। बस मौसी जी आप सबसे पीछे क्यों रह जाती, मतलब यही नहीं समझ में आ रहा आप उनके साथ जा रही हो कि हमारे साथ जा रही हो। सच में इतना स्लो स्लो रह जाती हैं, आपके जूते दिलवा दे स्पीड से चलोगी आप।
है ना। मौसी जी पता है पर्सनली आपके लिए बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे कि आपकी मौसी बहुत अच्छी है, मुझे पता है। हाँ मौसी जी जैसे टाइम पास होना चाहिए, जैसे अंशु करती है, अब मौसी कर रही है क्योंकि अंशु मेरी कंपनी नहीं दे रही है, मौसी जी दे रही है मुझे। कोई बोर नहीं होना चाहिए वीडियो में भी और लाइव भी, जो सब लोग चल रहे हैं। कोई देखो इधर दिखाओ कितना प्यारा है, वाला दो यहाँ पे इस जगह पे मैंने अपना प्रेमी भी शूट करवाया था, वाले गार्डन में दो दो बार बुला रहा है कि मेरे दो बार टिकट चेक कर रहा है। वो टिकट वाले भैया थे, हम लोग मुंह फाड़ के चले जा रहे चले जा रहे, वो कह रहे हैं सुनो सुनो हम नहीं सुन रहे, सुनो सुनो मौसी टिकट दिखा दो, फिर दिखा दी, फिर हम दोबारा निकल गए, फिर उन्हें दोबारा दिखाओ। मौसी जी के मजे ले रहे थे सब, मौसी स्मार्ट लगती है। दो बार इनकी जा सकते हैं। हाँ तो उधर तो हम चप्पल पहन के उठा के हाथ में लाएंगे ना। चलो यहाँ से चलो। मौसी जी बोल रही है ऐसे नहीं ऐसे करो, वीडियो है चलो। चांदी के किवाड़े मैंने तोड़े नहीं, चांदी के किवाड़ तोड़ने की कह रही है। मैं मौसी लेके कैसे जाऊंगी, टिकट छुपा के लाइन वो तो टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, इतनी बड़बड़ी जेब लाए ऐसे करके फोल्ड करके ले जाओ पॉकेट में डाल के और चलते बनेंगे। चलो पॉकेट वही चीज है, ठंडी बहुत है, पर सोना चांदी तब भी नहीं मिले। हम पूरी आए फिर हमें मौसी जी कह रहे हैं कि इसमें कहीं सोना चांदी लग रहा है कि कहीं नहीं लग रहा, वो गेटों में लग रहा, तो भाई उखाड़ ले चलो कि सोना नहीं मिला। चांदी चांदी मिली, सोना मिला ही नहीं, पॉकेट भी लेके आए, पॉकेट में आ जाएगी वो गेट आपकी पॉकेट में तो नहीं आएंगे, ऐसा करना सिर पे ही रख के ले चलना। सर पे ले चलते ही एक के बार हो वही तो नहीं, शॉल मुझे लग रहा है आप इसीलिए लेके आई हो, इतनी ठंड नहीं है, मैंने कुछ नहीं पहना और मौसी जी ने शॉल पहन के आई थी ऐसे उड़ के, इसमें ढक के ले जाना कि मेरा सामान है इसमें तो।